हेलो दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो में हम लोग बात करने वाले कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर सीरियल फना इश्क में मर जावां के बारे में। तो सीरियल फना इश्क में मर जावां से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आ रही है। तो क्या है ये न्यू अपडेट, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले। तो चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, इन दिनों कलर्स टीवी का सीरियल फना इश्क में मर जावां लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है और लोग कलर्स टीवी पर इस सीरियल को देखना काफ़ी पसंद कर रहे हैं। पर दोस्तों, अब जो सीरियल फना इश्क में मर जावां को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आ रहा है और अपडेट यह है कि सीरियल फना इश्क में मर जावां में एक बार फिर से हम लोग जो अक्षय सुखीजा जो है री एंट्री करते हुए नजर आने वाले। जी हाँ दोस्तों, हम लोग को अक्षय सुखीजा जो फिर से एक बार री एंट्री करते हुए नजर आने वाले सीरियल फना इश्क में मर जावां में, यानी कि ईशान की एक बार फिर से कम बैक होने वाली है सीरियल फना इश्क में मर जावां में। खबरें की माने तो खबर यह सामने निकल कर आ रहा है इस बार जो ईशान कम बैक करने वाले नेगेटिव किरदार के साथ। जी हाँ दोस्तों, हम लोग को नेगेटिव किरदार में नजर आने वाले इस बार सीरियल फना इश्क में मर जावां में अक्षय सुखीजा, यानी कि एक बार फिर से हम लोग को सीरियल फना इश्क में मर जावां में एक न्यू टर्न देखने को मिलने वाला है, जिसमें हम लोग को ईशान का नेगेटिव किरदार देखने को मिलने वाला है। तो अब ऐसे में देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि ईशान के नेगेटिव किरदार के साथ सीरियल फना इश्क में मर जावां किस तरह का न्यू टर्न लेता है और पाखिया अगस्त्य की जिंदगी में किस तरह का जो है बदलाव नजर आने वाला है इस न्यू टर्न के बाद। अब तक हम लोग सीरियल फना इश्क में मर जावां में ईशान के किरदार में अक्षय सुखीजा पॉजिटिव किरदार में नजर आ रहे थे। शुरुआती में हम लोग को अक्षय सुखीजा और पाखी के बीच में जो है लव केमिस्ट्री देखने को मिला था, पर अब जो है बताया जा रहा है सीरियल फना इश्क में मर जावां में अक्षय सुखीजा जो है री एंट्री लेने वाले, बहुत ज़्यादा हम लोग को ईशान का जो नेगेटिव किरदार देखने को मिलने वाला है। और फिर से ईशान के कम बैक से पाखी और अगस्त्य की लाइफ में मुश्किल आने वाला है। तो ऐसे में देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि पाखी और अगस्त्य जो इस मुश्किल का सामना कैसे करेंगे। तो दोस्तों, अब सीरियल फना इश्क में मर जावां में ईशान के नेगेटिव किरदार को लेकर कितना ज्यादा एक्साइटेड है, नीचे कमेंट सेक्शन पे अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि टेलीविजन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट हम आप सभी के लिए लाते रहते हैं। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत, फिर मिलते हैं अगली नई किसी वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।